सारी टेक्नोलॉजी से हमने काम किया है और बहुत एक हार्ड वर्क किया गया पूरे इनके आने के घटना समय आने के और जाने के दोनों रास्तों पर हम लोगों ने जो है सारी फुटेज को चेक किया और उसके आधार पर हम लोगों ने इनको ट्रेस आउट किया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि इस तरह की घटनाएं आगे द्वारा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि चेन स्नैचिंग घटना लगातार देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, चाहे नॉर्थ क्षेत्र में हो चाहे वेस्ट क्षेत्र में हो, ऐसे में क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लिया जाएगा? जी, हम लोग ऐसे सारे अपराधियों की जो है लिस्ट तैयार किए हैं जो कि विगत समय में लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं और उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और कहाँ हैं, क्या है उनका। अब चूंकि ये दिक्कत हुई कि ये जो अभी अपराधी पकड़ा गया है ये हरियाणा में जेल में था, यहाँ पर था नहीं ये, इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई और वहाँ से जेल से छूटा, हरियाणा फरीदाबाद में घटना कारित किया था और वहाँ छूट कर आया, इसलिए ये घटना हो गई। लेकिन हम लोग इस पर पूरी एक थारो हमारा जो है एक्सटेंसिव वर्कशॉप चल रहा है कि जितने अभियुक्त हैं इस तरह के जो कि पहले घटना करके जेल में रह चुके हैं उनके बारे में जो है उनकी लोकेशन और उनको बुला करके थानों पर वेरिफिकेशन, ये सारी कार्रवाई हमारी चल रही है।